बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बकुल महेंद्र जी ने सवाल भेजा है हमें और ये अपनी पत्नी के नाम पर 35 महीनों के लिए 40 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इनके इस निवेश के ऊपर कितना टैक्स लगेगा और आपकी सलाह भी मांग रहे हैं बलवंत जी की, क्या आप इन्हें कहीं और निवेश करने का विकल्प बता सकते हैं या फिक्स डिपॉजिट में ही पैसे डालें? प्रियंका, ऐसा है, बकुल जी को अगर 35 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है तो मैं समझता हूँ वो 36 महीने के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो बैंक एफडी जो करेंगे उसके ऊपर जो ब्याज आएगा और उस पर टीडीएस भी कटेगा अगर 10,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो बैंक तो भले ही 10% के हिसाब से टीडीएस काटेगी, परंतु जो अल्टीमेट टैक्स लाइबिलिटी है वो इनकी टोटल इनकम कितनी है और उसके ऊपर क्या स्लैब रेट है उसके हिसाब से लगेगी, तो वो बाकी जो इनकम है उसमें उसको ऐड करना पड़ेगा। चूंकि आपका टाइम होराइजन 36 महीने के आसपास का है तो आप बैंक एफडी में डालेंगे तो आपको पूरा का पूरा जो स्लैब रेट है उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप वही पैसा डेट फंड में डालते हैं और अगर 3 साल से ज़्यादा रखते हैं, 36 महीने से ज़्यादा रखते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। जैसे ही कोई असेट लॉन्ग टर्म हो जाती है तो आपको उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है और एक बार इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलने के बाद में अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो नेग्लिजिबल आएगा। और अगर आपका टाइम होराइजन अगर 3 साल से ज़्यादा है, 3 साल से 5 साल 6 साल तक है, तो आप या तो इनकम फंड में पैसा डाल सकते हैं जिसमें थोड़ा पैसा इक्विटी में रहता है बाकी डेट में रहता है, तो आपका जो एफडी का इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा पैसा आपको इनकम आएगी। और थोड़ा और ज़्यादा टाइम होराइजन हो तो आप बैलेंस फंड में भी पैसा डाल सकते हैं, पर अगर आप बैलेंस फंड में पैसा डालते हैं तो आप एक साथ पैसा नहीं डालिएगा, पहले कोई डेट लिक्विड फंड में पैसा डालिए और उसमें हर महीने एसटीपी कर दीजिए, या अगर आप बैंक से कर रहे हैं तो एसआईपी का इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। और ये बैलेंस फंड है वो इक्विटी फंड ही माने जाते हैं, तो 12 महीने के बाद जब कभी भी बेचेंगे और अगर उस पर कोई प्रॉफिट होगा तो वो 1038 के हिसाब से आपकी इनकम, वो जो प्रॉफिट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट होगा। चलिए, तो बगुल जी आपको फिक्स डिपॉजिट के अलावा कहाँ निवेश करना चाहिए बता दिया बलवंत जी ने।